स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया, जो फिजिक्स के टीचर थे। वो अगर एक ट्रेडर होते तो वो क्या कहते, और उन्होंने जो डायलॉग मारे हैं वो वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री में, कोटा फैक्ट्री 1 और 2, उसमें जो डायलॉग्स मारे हैं उसको हम अपने ट्रेडिंग जगत में कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं। ये एक खाली मोटिवेशनल आपको वीडियो है, आप काफी कुछ सीखोगे भी, डिसिप्लिन भी सीखोगे उनके डायलॉग से, क्योंकि डिसिप्लिन एक स्टूडेंट को होना ही चाहिए। और हम एज अ ट्रेडर, हम लोग हमारा टीचर है मार्केट, और हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो है डिसिप्लिन की, क्योंकि 99% जो होता है, 100% अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है तो उसमें 99% जो क्रेडिट जाता है वो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन को जाता है। 1% आप स्ट्रेटेजी को दे सकते हो, 99% डिसिप्लिन पे जाता है। तो डिसिप्लिन में बहुत सारी बातें आ जाती है, तो जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड क्या कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट क्या कर रहे हो, क्या ट्रेडिंग कर रहे हो, कितने ट्रेड लेते हो दिन में, वो सब चीज़ें आ जाती है। तो हम लोग देखते हैं जीतू भैया की नज़र से कि अगर वो ट्रेडर होते तो वो जो कहते हैं वो हमको ट्रेडिंग में कैसे करना है। पहला उनका डायलॉग था, देख भीख तो मांग मत, कुछ चाहिए तो मेहनत कर और छीन ले। व्हाट हैपेंस इज जनरली हम लोग जो ट्रेडर होता है वो एक ट्रेड तो ले लेता है, वो उसको स्टॉप लॉस पता नहीं होता है, उसको टारगेट पता नहीं होता है, वो ले लेता है ट्रेड और बाद में फिर ऊपर वाले से प्रार्थना करने बैठ जाता है, या तो फिर अपने नसीब को कोसता है, या तो अपने नसीब को बोलता है कि यार दे दे ये एक बार, ये ट्रेड से मेरे को निकाल ले, बस ये ट्रेड मेरा बचा ले, ये ट्रेड में मुझे प्रॉफिट दे दे, मैं दूसरा ट्रेड ऐसे लूंगा ही नहीं। बट क्या है कि वो आदत पड़ जाती है और आदत दोहराते ही रहते हैं। कुछ गलतियां हम ऐसी करते हैं जो हमें पता नहीं होता, पहली बार करने में गलती हो जाती है, वो तो ठीक है, गलतियां दोहराना पाप है, वही वही गलती दोहराना पाप है, ठीक है। तो ये जो है, देख भीख तो मांग मत, कुछ चाहिए तो मेहनत कर और छीन ले, बहुत सही चीज है। मेहनत करोगे तो कोई भी चीज हासिल हो सकती है इस दुनिया में। जिन्होंने भी कुछ भी हासिल किया है, आपके नजर में भी, आजू बाजू में भी जो भी है, उनको आप जाकर कभी मिलना और पूछना कि आपने सिर्फ बैठे बैठे ही आपको मिल गया या आपने मेहनत की थी, वो जरूर कहेंगे कि मेहनत की थी। और भीख मांगने से तो आप क्या एक दिन गुजारा कर लोगे, 2 दिन गुजारा कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, उससे ज्यादा क्या 15 दिन, महीना, साल भर। बट अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको सही मायने में एक सफल ट्रेडर बनना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और आपको अपना एक कंफर्ट जोन ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कहा गया कि देख भीख तो मांग मत, कुछ चाहिए तो मेहनत कर और छीन ले। इस कच्ची उम्र में किसी चीज को इतनी दिल से चाहो ना तुम, तो 2 ही चीज होती है, अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला तो मिलती है जेलसी, चुभन, सेल्फ डाउट, भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर जितना दुनिया लूजर नहीं समझती है उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। जनरली क्या होता है कि हम लोग शेयर मार्केट से इतना प्यार करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें पैसा है, तो पैसा को देख के हम लोग बहुत लोग आ जाते हैं। हमारा प्यार क्या है, एक तरफा प्यार है, हमने कुछ सीखा वीखा कुछ नहीं है, हमने कुछ ऐसा मेहनत किया नहीं है, हमने कोई अभी तक अपने आप को शेयर मार्केट के रूल से ढाला नहीं है, और हम लोग एक तरफा प्यार करे जा रहे हैं। अब एक तरफा प्यार जो होता है उसमें क्या है कि अगर आपको सामने से भी प्यार मिल गया तो सही है, तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला, और समझो वो प्यार किसी और को मिल रहा है, तो क्या होता है कि कोई और प्रॉफिटेबल ट्रेडर है जिसने मेहनत करके, प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, तो आपको उससे ईर्ष्या होगी, ठीक है, आपको सेल्फ डाउट आएगा कि यार मैं काबिल हूं या नहीं हूं, वो आदमी तो कर रहा है, वो आदमी जो इतना मतलब क्या जैसा भी है उसको प्रॉफिट हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना सब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे, मैं इतना प्यार करता हूँ शेयर मार्केट से, लेकिन मुझे नहीं हो रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे ये, अगर ये बिलीफ सिस्टम ऐसा बन जाएगा ना आपका, तो वो धीरे 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 दुनिया तो आपको लूजर समझे या ना समझे, बट आप खुद के नजर में ही गिर जाओगे कि देखो मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ तो वो वहां से उल्टा ही हो जाता है, मैं लॉन्ग करता हूँ तो वहां से नीचे आ जाता है, मैं शॉर्ट करता हूँ तो वहां से ऊपर चला जाता है। एक इंप्रेशन आप खुद के लिए ही अपना बिलीफ सिस्टम बना लेते हो। मेरे एक अंकल है, वो है ना, उनका एक ही स्ट्रेटेजी है कि जब भी मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाए मतलब अगर कुछ बहुत भाग रहा है ना तो उसको शॉर्ट करो, और जो बहुत कुछ नीचे जा रहा है ना तो उसको बाई करो,
ये वो देखते ही नहीं है कि ट्रेंड क्या है, क्या न्यूज है, क्या नहीं है। वो येस बैंक बाय कर रहे थे 250 रुपए से, आज उनके पास पड़ा है 5 रुपए वाला येस बैंक, ठीक है। फिर वो निफ्टी अभी उन्होंने 16,850 में शॉर्ट की थी, अब उन्होंने काटी नहीं है, अभी आज मार्केट हो गया है समझो 17,800 हो गया था, 18,000 के करीब जाके आया, बट उन्होंने काटा नहीं है। तो वो उनका कोई लॉजिक नहीं, उनका एक ही डिसिप्लिन है, उनका एक ही स्ट्रेटेजी है कि पैसे घुमाओ, वो मार्केट में डोनेशन करते हैं। बस उन्होंने एक अपना एक इमेज बना लिया, वो खुद को लूजर मानते हैं और वो खुशी खुशी बोलता है ऐसा कि देखो मैं अभी काटूंगा ना लॉन्ग तो मार्केट यहाँ से भागेगा, ऊपर चला जाएगा, अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट काटूंगा ना तो मार्केट नीचे आएगा, ये उनका मानना है। आपको उस कैटेगरी में जाना है या नहीं जाना है वो आपके ऊपर है। कच्ची उम्र इसको कहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस उतना कच्चा है, अभी तक उतना एक्सपीरियंस नहीं किया उन्होंने, उतनी मेहनत नहीं की है, उतनी ट्रेनिंग नहीं ली है, और वो अपने आप को मार्केट का प्रो समझ रहे हैं। बच्चे कोटा से 2 साल में निकल जाते हैं, पर कोटा बच्चों में से सालों में नहीं निकलता। वही मेरे अंकल जो है ना, वो मेरे को हमेशा बोलते हैं कि मैं आज ये मेरा निफ्टी कट जाए ना उसके बाद मैं मार्केट छोड़ रहा हूँ। भाई साहब मैं 3 बार बैट लगा चुका हूँ मेरे दोस्तों के साथ कि ये आदमी अभी नहीं ट्रेडिंग करेगा, मैं 3ों बार हारा हूँ। 3ों बार इसलिए हारा हूँ क्योंकि क्या होता है कि जो मार्केट जो है ना वो आपके दिलो दिमाग में बैठ जाता है, वो एक नशा जैसा है, और जो वहां पे जो हार हुई है वो जो अपने ईगो को क्रश करता है वो उससे ऊपर हम नहीं आ सकते। और सही मायने में अगर कोई बहुत ही मतलब एकदम स्ट्रांग बंदा है तो वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, बट अदरवाइज आपको लगता है कि ये तो बहुत इजी है काम, यहाँ पे बटन दबाया और वहां पे पैसे अंदर, ऐसा नहीं होता है। तो वो जो सोच है ना आपकी विदाउट नॉलेज आप लोग जाते हो और फिर मार्केट आपको बाहर निकाल देता है, फेंक देता है, आपका अकाउंट वाइप ऑफ कर देता है। आप भले ही मार्केट में ट्रेडिंग ना करते हो बट आप फिर भी भाव देखोगे, लोगों से बातें करोगे, शेयर मार्केट करते ही रहोगे। तो इसलिए कहा है बच्चे कोटा से 2 साल में निकल जाते हैं पर कोटा बच्चों में से सालों में नहीं निकलता। और बहुत ही मतलब वो कभी नहीं निकल पाता, दिमाग दिलो दिमाग में रह ही जाता है, मार्केट कभी भी नहीं निकल पाता। लाइफ में ग्रो करना है तो मूव ऑन करना पड़ेगा। अब जितना भी शिकस्त खाया हो, जो भी हो, हमने हमने समझो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, बहुत सारा लॉस हमने कर दिया है, इनडिसिप्लिन किया है, अब हम वो थॉट को पकड़ के बैठ तो नहीं सकते, हमको मूव ऑन करना पड़ेगा। अभी मूव ऑन करने में 2 टाइप के लोग होते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं बट वो लोग पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखते, और कुछ लोग मूव ऑन करते हैं पर जो गलती की है उससे सीखते हैं, उससे सीख के वो गलती दोहराते नहीं है। बस यही फर्क है एक सक्सेस और एक लूजर में, यही फर्क है कि लूजर अपनी गलतियों को दोहराते रहता है और एक सक्सेसफुल इंसान अपनी गलतियों से सीख के वो सेम गलती नहीं दोहराता। तो लाइफ में ग्रो करना है तो मूव ऑन करना पड़ेगा, बट मूव ऑन करने के लिए हमें अपने गलतियों से सीखना चाहिए। 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है, तो यही करना है, बस करना यही है। मार्केट में भी आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी सही है तो 20 दिन वही स्ट्रेटेजी पे काम करो, या आपको लगता है कि 1:2 टारगेट चाहिए ही चाहिए वरना नहीं करना है तो 21 दिन आप फॉलो करो, वही फॉलो करो कि जो भी ट्रेड लेंगे 1:2, वरना भले मेरा स्टॉप लॉस चला जाए बीच में नहीं निकलूंगा, ठीक है। आप 21 दिन या समझ लीजिए आप भी 21 ट्रेड, आपको एक ही चीज के 21 ट्रेड लेने या एक ही स्ट्रेटेजी से 21 ट्रेड लेने हैं, उसके बाद आपको वो आदत पड़ जाएगी, आप बहुत कुछ सीखोगे उससे। आप अगर ये जर्नल बना के रखोगे ना कि ये 21 दिन या 21 ट्रेड या 21 चीजें करनी थी और मैंने वो किया उसके बाद ये हुआ, अगर आप जर्नलाइज करोगे वो सब तो आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर ऑलरेडी बन चुके होंगे, जहां पर आपने 21 दिन पहले जो शुरुआत की थी उससे बेहतरीन हो गए होंगे 21 दिन के अंत में या 21 ट्रेड के अंत में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, और साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि 21 दिन में कुछ भी आदत लग सकती है, तो हमें जनरली करना क्या है, हमारी नई आदत को लाने के लिए हमारी बुरी आदतों को रिप्लेस करना पड़ेगा अच्छी आदतों से। अच्छी आदतें बुरी आदतें ऐसे ही छूट नहीं जाती है, उन्हें हमें रिप्लेस करना होता है अच्छी आदतों से।
रैंक उनकी इंप्रूव होती है जिनकी आ रही होती है। तो बहुत लोग क्या होता है कि अरे मुझे तो आता है सब कुछ, तुम मुझे क्या सिखा रहे हो। हम लोग मोटिवेशनल वीडियो या कुछ भी ट्रेनिंग वाला वीडियो भी डालते हैं, वेबिनार भी डालते हैं, लोग ऐसे बोलते हैं आप हमें क्या सिखा रहे हो, मेरे से तो 50 लोग पूछ के जा रहे हैं, आप लोग मुझे क्या बताओगे। तो प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आपको इम्प्रूव होना है तो पहले आप प्रॉफिटेबल तो हो, प्रॉफिटेबल तो बात की बात है, पहले लॉस को छोटे करो। चार टाइप के ट्रेडर होते हैं, चार आउटकम्स हो सकते हैं, या तो बड़ा लॉस, छोटा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट। अब आप कहाँ हो वो आपको देखना है। पहले आपको कम से कम कोई रैंक कहाँ है आपका, मतलब बड़े लॉस कर रहे हो या छोटे लॉस, वो पहले फाइंड आउट कीजिए। वो करने के बाद आप इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, अगर आप छोटे लॉस करने लगे हो, ठीक है, छोटे छोटे लॉस हो रहे हैं, अभी बड़े लॉस नहीं हो रहे क्योंकि आपने अपने आप को डिसिप्लिन कर लिया है, और फिर अचानक से एक दिन बड़ा लॉस करते हो क्योंकि आप इनडिसिप्लिन करते हो, या कुछ कुछ मतलब बस आपका मूड अच्छा नहीं और आपने ट्रेड ले लिया, ऐसे ही ले लिया, कोई तुक्का ले लिया, तो वो गलत है ना। तो आपका रैंक इंप्रूव करना है, ना कि आपको खराब करना है। तो आपको रैंक तो उसी की इंप्रूव होगी ना जिनको जिनकी आ रही होती है। मतलब पहले आप ये चारों लेवल पे कहीं आइए तो सही, उसके बाद इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप अपने क्लास के टॉपर हो तो आप गलत क्लास में हो। बहुत लोग मुझे बोलते हैं अरे मुझे तो 5 लोग पूछते हैं, मुझे तो शेयर मार्केट में पूछते हैं। अगर उनका खुद का PNL देख लेंगे ना तो अपने को रात को नींद नहीं आएगी। मतलब दे में भी लॉस, बिग लॉस, पर ज्ञान बांटने में नंबर 1। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने ग्रुप में सबसे सही हो तो भाई आप गलत ग्रुप में हो। आप सीखोगे कैसे? अगर मैं पहले बचपन में जब कॉलेज डेज में टेबल टेनिस खेलता था तो मैं कोशिश करता था कि मेरे से जो अच्छे हैं उसके साथ खेलूं। अगर सचिन तेंदुलकर गली में आके खेलने लगेगा और खुद को मास्टर बताएगा, मास्टर ब्लास्टर बताएगा, तो क्या वो सही है? नहीं। ही हैज टू फेस उसको मैकग्रा, गिलेस्पी, शोएब अख्तर, मेलकम, अपना कर्टली एम्ब्रोस, वॉल्श, ये सबको फेस करना है। अगर उनको फेस करना है तो गली क्रिकेट खेल के उसका कुछ होना नहीं है। उसको कोई एक अच्छा क्वालिफाइड बॉलर को फेस करेगा, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके वो मास्टर ब्लास्टर की पदवी पर जचेंगे, तब तक नहीं जचेंगे। तो अगर आप अपने क्लास के टॉपर हो, मतलब अगर आप अपने सर्कल में बहुत ही मतलब माने जा रहे हो और सच में आपका PNL इतना खास नहीं है, या PNL है भी, छोड़ो प्रॉफिट भी हो रहा है, तो भी अगर आप गलत क्लास में हो क्योंकि आपको कुछ सीखने नहीं मिल रहा है, आप किसी ऐसे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए जो आपसे बड़ा हो, आपसे बड़ा सर्कल हो, और जहाँ पर आपसे बड़े महारथी ज्ञानी लोग बैठे हैं और शेयर कर रहे हो, तो आप वहाँ पर जाइए, तो आपका सीखना जल्द फास्ट होगा, आपका जो लर्निंग का जो सर्कल है वो छोटा हो जाएगा। IIT इसलिए करो क्योंकि टफ है, और टफ बैटल लड़ने से कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में। तो शेयर मार्केट इसलिए करो क्योंकि ये टफ है, और टफ बैटल लड़ने से कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में। अब मैं ये बोलूंगा यहाँ पर कि जो शेयर मार्केट है, बहुत लोग पैसे को देख के आ जाते हैं, बट एक आज मैं सत्य हकीकत आपको बोलता हूँ, जो शेयर मार्केट है ना, वो यहाँ पर लोग लक्ष्मी जी की पूजा तो बहुत करते हैं, बट लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ असली में आपको सरस्वती जी की भी पूजा करनी है। यहाँ पर पैसे का बहुत बोलबाला है, बट जब तक ज्ञान नहीं ले पाओगे, लेओगे, तब तक पैसा नहीं आएगा। लक्ष्मी जी नहीं आएगी जब तक सरस्वती जी को आप सम्मान नहीं करोगे, ठीक है। और जब शेयर मार्केट में आप ये मतलब पैसा छोड़ के, पैसा तो आउटकम है, अगर आप अच्छे से अपने आप को ढाल पाए, अगर डिसिप्लिन कर पाए, और वो बैटल में आप थोड़ा भी जीतने लगे, तो आपको एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आएगा, आप अच्छा खासा कमाने लगोगे, और दूसरे भी जो क्षेत्रों में आप ये जो कॉन्फिडेंस है उसको आप दिखा पाओगे। यही कॉन्फिडेंस से आप दूसरे क्षेत्रों में भी कुछ अच्छा कर पाओगे। तो क्योंकि ये टफ है शेयर मार्केट, इसलिए हमें करना है, ना कि क्योंकि दूसरा कोई कमा रहा है तो लाओ मैं भी अपना हाथ आजमा लेता हूँ, ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर पैसा बहुत आसानी से बन रहा है, 1 का 10 हो जाता है, 10 का 100 हो जाता है, इसलिए करना है, नहीं, वो नहीं है। क्योंकि ये टफ है, चैलेंजिंग है, मजेदार है, इसलिए हमें करना है।
सपने सिर्फ देखने के लिए होते हैं और एम अचीव करने के लिए होते हैं। बहुत लोग क्या है कि एकदम सपने की दुनिया में चले जाते हैं। अरे मेरा तो क्या है कि शेयर मार्केट में से आ जाएगा मंथली इनकम, सेकेंड स्ट्रीम ऑफ इनकम कर लूंगा और वहां से मैं खर्चे कर लूंगा और मैं बहुत लोग तो खर्चा भी कर डालते हैं, अभी तक कमाया नहीं है बट खर्चा भी करने लगते हैं, शेयर मार्केट से आ जाएगा। और ये सब सपने हैं और सपने सिर्फ देखने के लिए होते हैं। आपका एक एम होना चाहिए कि मुझे ये बनना है, ठीक है। और एम सपना आपको, आप सोएंगे तब सपना आता है, ठीक है। एम आप जागते नजर से देखोगे और उसके तरफ काम करोगे। सपना देखने के लिए तो सोना पड़ेगा और सो के कोई सफल नहीं हुआ है। अगर एम अचीव करना है तो आपको जागना है, और जागना किसे कहते हैं कि आपको ज्ञान की तरफ काम कर, ज्ञान की तरफ चलना है, ज्ञान बटोरना है, जितना ज्ञान मिल सके वो लीजिए और उसे एक्शन में डालिए और अपने आप को ढालिए, जो शेयर मार्केट को जैसा चाहिए वैसे आकार में ढालिए और फिर बढ़ते जाइए। और लास्ट, तो फाइटर स्टूडेंट तो है तू और एक टीचर को सिर्फ उतना चाहिए होता है। मेरा यही कहना है कि हम लोग सब लोग फाइटर है और एक टीचर को हमेशा एक फाइटर चाहिए होता है। हमारा सबसे बड़ा टीचर शेयर मार्केट है और शेयर मार्केट में सही मायने में जो ये अर्ली स्ट्रगलिंग डेज होते हैं, फाइटिंग के दिन होते हैं, अगर वो वहाँ पर हाथ पैर मार के अपने आप को ढाल लिया, कॉन्फिडेंस बना लिया और कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठ गए, बस उतना ही सीमित फोकस काम किया, तो सही में बोलता हूँ शेयर मार्केट जो टीचर है उसको उतना ही चाहिए होता है, वो अपने को मालामाल कर देगा, ठीक है। तो मैं इसी सोच के साथ आपको ये वीडियो से अलविदा कहता हूँ। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं और ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊंगा। और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।